अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ़्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरी रेसिपी में है कोल्ड कॉफ़ी। गर्मियाँ हैं तो ये बनाएं और ख़ुद भी पिए और अपने बच्चों को भी बना के दें। तो ये मैंने नेस्कॉफ़ी ली है, तो ये चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। एक चम्मच नेस्कॉफी लिए और इसमें हमने नीम गर्म पानी लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितना कम पानी होगा इतनी हमारी ये सही फेंटा जाएगा इसको। और ये हमने इसको इतना 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे फेंटने में, और ये फ्लफी सी जैसे जाग सी होती है ना ऐसे बन जाएगी। इसको हमने फेंकना है 3 से 4 मिनट के लिए। अब हमने ये ब्लेंडर में 1 ग्लास दूध लिया और साथ इसके 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें क्रीम इस्तेमाल करनी है। उसके बाद कोको पाउडर डालना है, ये बस इतना कोको पाउडर चाहिए हमें। और आइस आप कितनी चाहे मर्जी डाल लें, क्योंकि हमने ये कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, तो आइस ज़्यादा होगी तो ठंडी ठंडी होगी तो मज़ा आएगा इसका हमें पीने का भी। चीनी आपके पास पीसी हुई है तो आप पीसी हुई इस्तेमाल करें, वो जल्दी ब्लेंड हो जाती है। और अगर नहीं है तो फिर आप ये भी यूज़ कर लें, क्योंकि जब हम आइस डालते हैं ना तो फिर चीनी जो है ना जल्दी ब्लेंड नहीं होती है। चलिए इसको अब ब्लेंड करते हैं। अब हम ये ग्लास को डेकोरेट करना है। आपके पास चॉकलेट सिरप है तो आप उससे कर लें, मेरे पास नहीं है। मैंने नूटेला जो है ना वो उसके साथ कर लगा के तो ये मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। ये देखें, अब हमने जो ब्लेंड किया हुआ दूध है वो इसमें डालते हैं और इसके बाद कोल्ड कॉफी इसके ऊपर। अब इसके ऊपर थोड़ी सी कॉफी छिड़क लेते हैं डेकोरेट के लिए। अब मेरी ये कोल्ड कॉफी रेडी है और मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।